फिरोजाबाद में शादी का झांसा देकर युवती के साथ अवैध संबंध बनाने वाले सिपाही मामले में नया मोड़ सामने आया। जब पीड़िता की हालत थाने में बिगड़ गई, उसे आनन-फानन में पुलिस ट्रॉमा सेंटर लेकर आई, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामले में पीड़िता ने कहा है कि उसको थाने में बुलाया गया, पुलिस उस पर दबाव बना रही है और थाने में ही उसके प्रेमी पुष्पेंद्र ने उसे एक पुड़िया दी, कहा खाओ और मर जाओ। उसने गुस्से में वो पुड़िया खाई और उसकी हालत ऐसी हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। बता दें क्या है मामला, मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक युवती जो औरैया जिले की रहने वाली है, उसने थाना मक्खनपुर में तैनात एक सिपाही पुष्पेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि सिपाही ने उसके साथ शोषण किया है, 4 साल से वो उसके साथ शारीरिक संबंध में है, पर अब वो उसे धोखा दे रहा है। आप कहा कि आज जब उसे थाने में बुलाया गया तो सिपाही के पक्ष में ही CO साहब ने कहा कि पैसे ले लो और मामला खत्म करो। वहीं आरोपी सिपाही ने उसे थाने में एक पुड़िया दी और कहा इसे खाकर मर जाओ। उसने वो पुड़िया खाई जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने क्या कहा, घटना की प्रमुखता को देखते हुए CO भी मौके पर पहुंच गए और पीड़िता की इलाज के लिए डॉक्टरों से बात की। इस मामले में SP सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने कहा कि मामले की जानकारी हुई है, मुकदमा युवती का पहले ही पंजीकृत कर लिया गया था, आरोपी पुलिस सिपाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, पीड़िता के आरोपों पर जाँच भी करवाई जाएगी, अभी पीड़िता की हालत ठीक है। कुमारी नीतू, क्या हुआ था? मैं औरैया जिले की रहने वाली हूँ, औरैया जिले से रहने वाली हूँ मैं। यहाँ पे पुष्पेंद्र कुमार पुलिस में तैनात फिरोजाबाद है, उससे मेरा 4 साल से रिश्ता चल रहा था, फिजिकल रिलेशनशिप में भी रहा। फिर मैंने यहाँ CO पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन दिया, और 11 जून को प्रवीण कुमार तिवारी CO साहब के यहाँ जांच आई। वो कहने लगे कि 10 लाख रुपए दे के तू रफा दफा केस कर ले, मैं पुलिस विभाग की बदनामी नहीं कराना चाहता। और अपने क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पुष्पित कुमार है। कहाँ कहाँ तैनात हो और क्या पूरा मामला है? फिरोजाबाद पुलिस लाइन में पूरा मामला ये है कि नीतू नाम की लड़की है, इससे मेरी मुलाकात Facebook के द्वारा हुई थी, तो बातचीत के दौरान बताया कि मेरे माँ बाप नहीं है और मैं फॉरेस्ट विभाग में नौकरी करती हूँ, जो कि मुझे मेरे पिताजी की जगह पर मिली है, और मेरे एक सौतेला भाई है, मैं उनके यहाँ रहती हूँ, वो भी एक फॉरेस्ट विभाग में अधिकारी है। तो बातें हुई हमारी, तो इन्होंने बताया कि मेरा कुछ दिन बाद प्रोमोशन होने वाला है, मेरे पिताजी एक अच्छी पोस्ट पर थे, तो उन्होंने मुझे वर्दी में काफ़ी फ़ोटो दिखाई, इनका प्रमोशन दिखाया मुझे 3 स्टार की वर्दी में, और फिर कुछ लंबे समय के बाद बताया कि मेरा घर वाले मुझे प्रताड़ित करते हैं, बोलते हैं कि मेरे पिता की नौकरी है, आप क्यों पैसे खाते हो, मुझे पैसे दिया करो, सारे पैसे ले लेते हैं, ऐसे करके मुझे बताया करती थी। फिर बताया कि मेरा पुरानी भर्ती में टीचिंग लाइन में नंबर आ रखा है, तो मैं उसे ज्वाइन करूँगी, ये किसी की हुई नौकरी नहीं करूँगी मैं। फिर इन्होंने टीचिंग ज्वाइन की, कुछ टाइम बाद इनका जो बीमार रहती थी, तो इनका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन में मुझे पता चला है कि जो इनका इलाज हुआ है वो इनके एक दोस्त हैं या फिर बॉयफ्रेंड है इनके, उनके कार्ड द्वारा इलाज हुआ है, उनका नाम है राजकुमार, IT में जॉब करते हैं वो, और मुझे पता आज क्या हुआ? आज तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या वो उसने कहा है कि पुड़िया खिला दी तुमको? नहीं, मैंने कोई पुड़िया नहीं खिलाई किसी को। तुम थाने आए थे क्या? आने आया था मैं बात करने के लिए इंस्पेक्टर साहब से। अच्छा, तो उसने आरोप लगाया है कि उसे सारी ये सब झूठे आरोप, ये सब झूठे आरोप है। एक FIR उसने करी कि शारीरिक संबंध बनाए और वो वीडियो बनाए? नहीं, सब झूठे आरोप है, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं, कोई शारीरिक संबंध नहीं, ये फ्रॉड है। अन्य किसी और से भी? हाँ जी, मेरे पास एक लड़के का फोन आया था, उसका नाम कमल है, उसने मुझे एविडेंस भी दिए थे, रिकॉर्डिंग भी सुनाई, और इसका काफी दिन से लंबा रिलेशन भी चल रहा है, काफी पैसे भी दिए थे। रिलेशन कितने समय से था आपका उनका? मेरी 2 साल से बात हुई होगी Facebook द्वारा। Facebook पे बात होती थी? हाँ, Facebook द्वारा बात हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको पसंद करती हूँ, फिर मैंने शादी की मना कर दिया, मुझे पता चला कि इनका अफेयर है किसी और के साथ, तो मुझ पर दबाव लगाने लगी, धमकी भी दी, मुझे पूरा मामला पता पड़ा कि मेरे ऊपर उलझा उल्टे सीधे इल्जाम देने लगी कि तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारा घर ऐसा है, मेरे पास उनके पास सारी
स्क्रीनशॉट है। सीओ साहब पे भी उसने आरोप लगाया। हाँ, सीओ साहब भी जांच, सीओ साहब द्वारा जांच चल रही थी तो उन्होंने मेरे लिए मुकदमा दर्ज कर दिया है मक्खनपुर थाने में। आरोप लगा रही सीओ साहब पे कि 10 लाख रुपए मांगे सीओ साहब ने। हाँ, ये कह रही थी आप कहो मैं आपको बरी कर दूंगी, सीओ साहब ने 10 लाख रुपए लेके आया है। क्या सही बात है क्या? नहीं नहीं, कोई तरीके की बात हुई नहीं, नहीं कोई 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 कैसी बात कायम करा लिया ना। हाँ, मुकदमा कायम करा था। किसने कायम कराया था? सीओ साहब ने। क्या मामला है? एक युवती ने रिजाइन करा बताया। देखिए, एक युवती यहाँ पे ट्रामा सेंटर में आज एडमिट हुई जो थाना मक्खनपुर से संबंधित थी, और उनसे जानकारी जो प्राप्त की गई तो उन्होंने बताया कि एक पुष्पेन नाम का पुलिस लाइन्स का कांस्टेबल है, उसके द्वारा उसे पुड़िया में कोई चीज़ दे दी गई थी, उसको खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, यहाँ में ट्रामा में लाया गया जहाँ पर वो उपचाराधीन है। डॉक्टरों से हम लोगों की बात हुई है, डॉक्टरों ने यही बताया है कि उनके सारे वाइटल्स पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, फिलहाल अभी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखे हुए हैं, जब वो पूरी तरह से जब भी स्वस्थ हो जाएंगे तो हम लोग भी उनसे गहनता के साथ पूछताछ करेंगे कि इस घटना के पीछे कारण क्या है। इस प्रकरण के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये पुष्पेंद्र जो हमारे पुलिस लाइन में पोस्टेड है, कांस्टेबल है, इससे इनके 2-3 साल पहले से ही इनके आपस में परिचय था, संबंध था, उसके बाद से इनमें आपस में किन्हीं कारणों से मतभेद हो गए, उसके बाद इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा की गई, जिसमें इनको पुष्पेंद्र को पूरी तरह से दोषी ठहराया गया तथा उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना मक्खनपुर में 4 जुलाई को अभियोग भी पंजीकृत करा दिया गया था, और उस अभियोग पे हमारी विवेचना चल रही है, उसमें अब तक जो एविडेंस पाए गए हैं उस एविडेंस के आधार पर पुष्पेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महिला जब पूरी तरह से जब स्वस्थ हो जाएंगी तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और घटना के संबंध में अन्य जो भी जानकारियां मिलेंगी उसको भी हम लोग विवेचना का पार्ट बनाएंगे और साक्ष्य के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई कराएंगे।